शेर आया, शेर आया। ये कहानी एक छोटे लड़के की है जिसका नाम है गोपी। वो अपने वालिद के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गोपी और उसके वालिद दोनों ही ग्वाले थे। वो गायों को चराकर अपनी रोजी रोटी कमाते, पर गोपी एक बहुत ही शरारती लड़का था। हर दिन उसे एक नई शरारत सूझती। आज मैं क्या करूं? आज मैं किसे मुर्गा बनाऊं? सोच गोपी, सोच। मुझे इतनी बोरियत हो रही है, मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। मैं बस आज का दिन यूं ही गुजरने नहीं दे सकता। तभी गोपी के वालिद उससे मिलने के लिए आए। वो कुछ असमंजस में थे। गोपी बेटा, क्या बात है, क्या हुआ? ओ कुछ नहीं अब्बा, मैं सोच रहा था कि अब मैं कौन सा काम करूं। अच्छा गोपी, एक काम करो, आज मेरी तबीयत नासाज है, तुम जंगल के करीब के मैदान में गायों को चराने क्यों नहीं ले जाते? इतना काम करो। यकीनन अब्बा, उन्हें ले जाता हूँ। और हाँ, तुम्हें उनका सख्ती से पहरा देना होगा, वरना शेर आकर हमारी सारी गायों को खा जाएगा। मैं उन पर निगाह रखूंगा अब्बा, आप फिक्र मत कीजिए। चलो अब मुझे चलना होगा, गायों को चराने का वक्त हो गया है। हालांकि गोपी बहुत शरारती था, उसने कभी भी किसी काम के लिए अपने वालिद को इनकार नहीं किया। अपने वालिद की हिदायतों के मुताबिक गोपी ने गायों को खोला और उन्हें बाहर ले गया जंगल के नजदीक चराने के लिए। उसके एक हाथ में लकड़ी की गुलेल थी और दूसरे में एक लंबी लाठी। जल्दी ही गोपी अपनी सभी गायों को लेकर जंगल के नजदीक के मैदान में पहुंच गया। उसने बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरख्त देखा। गोपी एहतियात बरतते हुए दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त पर बैठ गया। वो अपनी गुलेल इस्तेमाल करने लगा जमीन पर पत्थर मारने को, पर जल्दी ही वो उससे ऊब गया। अचानक उसे चाल सूझी और लुफ्त उठाने के लिए वो चीखने लगा, बचाओ बचाओ, देखो शेर आ गया, वो मेरी सारी गायें खा जाएगा, जल्दी आओ, बचाओ बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, शेर आया बचाओ। जैसे ही गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी, वो बहुत सख्ते में आ गए और खौफजदा हो गए। जरा सब लोग सुनिए, गोपी की जान खतरे में है, शेर उसे मार डालेगा, हमें उसे बचाना चाहिए, चलो। हाँ हाँ चलो चलो, जल्दी करो। जाकर उसे बचाते हैं। हर कोई जंगल की तरफ भागा गया। जो भी उनके हाथ आया उन्होंने उठा लिया, हथियार बनाकर शेर पर हमला करने के लिए। मशगूल गांव वाले अपना काम काज छोड़कर भागे गोपी की जान बचाने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचे, गोपी शेर कहाँ है? तू ठीक तो हो, चोट तो नहीं लगी? फिक्र मत करो गोपी, अब हम आ गए हैं, तुम दरख्त से नीचे मत उतरना, हमें बताओ शेर कहाँ है। हाँ, बताओ शेर कहाँ है, कहाँ है वो नामुराद, कहाँ है? अरे कौन सा शेर, यहाँ तो कोई शेर नहीं है। तो फिर चीख पुकार क्यों कर रहे थे? हैं? तो क्या तुम मजाक कर रहे थे? गोपी ये कैसी शरारत है? ऐसी शरारत कभी मत करना गोपी, तुम्हें ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, एक दिन तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हम अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं, पता है? अब बहुत हो गया गोपी, तुम्हारी शरारतें अब हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर रही हैं। इसे बंद होना चाहिए, हम तुम्हें कभी बचाने नहीं आएंगे। अरे इतने नाराज मत हो चचा, ठीक है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। गोपी हंसते ही जा रहा था। सभी गांव वाले नाराज होकर अपने काम पर लौट गए, पर गोपी खुद से बहुत खुश था। आज तो मेरा दिन कामयाब हो गया, बेचारे गांव वाले इतने खौफजदा लग रहे थे। दिन गुजर गया और गोपी घर वापस आया अपनी सब गायों को लेकर। अगले दिन वो फिर से अपनी गाय चराने गया और आज भी उसने वही चाल चलने की सोची। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, शेर आ गया है, मेरी
एक बार फिर गांव वालों ने जंगल से गोपी की चीख पुकार सुनी। वो जो उसके इस मजाक के बारे में नहीं जानते थे वो फिक्रमंद हो गए और वो सब जंगल की तरफ भागे गोपी की मदद करने के लिए। गोपी की जान खतरे में है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। बेचारा बच्चा, वो अकेले शेर का मुकाबला कैसे करेगा? हमें इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। हाँ चलो चले, उम्मीद है वो ठीक ठाक। हाँ, चलो चले। एक बार फिर गोपी की मासूमियत का शिकार होकर गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुँचे। जब वो जंगल में पहुँचे उन्होंने देखा कि गोपी महफूज दरख्त पर बैठा है और हंस रहा है। यहाँ तो कोई शेर नहीं, तुम इतने चीख क्यों रहे थे? अरे यहाँ तो कोई शेर नहीं, तुम क्यों इतना चीख रहे थे? मैंने कब कहा कि यहाँ शेर है? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें ये बंद करना होगा। तुम कब बड़े होगे? ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें शायद कोई काम नहीं है पर हमें है। तुम्हारे को क्यों तंग करते हो गोपी? ये सही नहीं है, ये सब बंद करो। एक दिन तुम्हें शरारत की कीमत चुकानी पड़ेगी। हम तुम्हारे लिए भागे आते हैं और तुम ये सिला देते हो। हम फिर कभी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। चलो। हाँ हाँ चलो चलो, हम नहीं आएंगे। अरे तुम सब वापस क्यों जा रहे हो? अब मैं शेर से क्या कहूँगा? गाँव वालों ने गोपी को हंसते देखा। अब वो बहुत गुस्से में थे। वो सब गोपी पर चिल्लाए और तेजी से चले गए। अब ये गोपी के लिए रोजमर्रा का काम हो गया था। वो मैदान में आता और मदद के लिए चीख पुकार करता। अब गांव वाले उसकी चाल अच्छी तरह समझ गए थे और फिर भी वो उसकी मदद के लिए दौड़े आते। पर एक दिन गोपी की तकदीर काम नहीं आई। जब वो अपनी गायों को चराने के लिए गया तो वहाँ एक शेर आया। एक नहीं बहुत से शेर। गोपी मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, शेर आ गए हैं, कई शेर आ गए हैं, बचाओ। पर इस बार उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया। किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। गोपी वहाँ बैठा रहा और मदद की गुहार लगाता रहा। इस बार मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी यकीन करो। अच्छा, कोई दुआ। चाची, गांव वालों, जल्दी आओ, हमें शेर से बचाओ, मैं और मेरी गाय, ये हमें खा जाएंगे। ये तो अब उसका रोजमर्रा का काम हो गया है। उसकी चीख पुकार हमेशा छलावा होती है। अब हम नहीं जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम नहीं जाएंगे। हर बार वो झूठ ही कहता है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, वो फिर से शरारत कर रहा है। बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो साथियों, हम अपना काम करें। गोपी मदद की गुहार लगाता रहा पर किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। एक एक करके शेरों ने सभी गायों पर हमला किया और उन सबको खा गए। गोपी वहाँ बेबस बैठा रहा और वो रोता रहा रोता रहा। उसने अपनी सभी गायें गवा दी। जल्द ही खबर गोपी के वालिद तक पहुँची। वो फिक्रमंद हो गए और जंगल की ओर भागे। ये तुमने क्या किया गोपी? पता है ना, ये गायें ही तो हमारी रोजी रोटी का जरिया थी और अब वो भी चली गई। अब हम कैसे कमाएंगे और क्या खाएंगे हम? मैंने हमेशा तुम्हारी शरारतों को नजरअंदाज किया पर अब तो हद हो गई है गोपी। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दे अब्बा, मैंने एक बहुत बड़ी खता की है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और इसी तरह गोपी ने अपनी शरारत की कीमत चुकाई। क्या तुम मानते हो कि उसने जो किया वो गलत है? हाँ। तो मुझे बताओ इस किस्से से हमने क्या सीखा? ये कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर मर्तबा जब हम झूठ बोलते हैं हम कुछ खो देते हैं। सही,
हर मर्तबा जब हम झूठ बोलते हैं तो हम किसी न किसी का भरोसा खो देते हैं। वो एक दफा तो हमारे झूठ पर यकीन कर लेंगे पर हमेशा नहीं। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखो कि हमें सच ही बोलना चाहिए।